ला 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 ला। दुनिया भर में देखो जानवरों का डंका बाजे, सभी देशों के तख्तों पर बस जानवर ही साजे। देखो जानवर ही साजे भैया, जानवर ही साजे। तो आइए कहानी को आगे बढ़ाएं। उस साल जानवरों ने जी तोड़ मेहनत करी, खेत पर काम करते करते खून पसीना एक कर दिया, मगर एक बहुत बड़ी कठिनाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वो ये कि जो खेती के उपकरण थे वो तो इंसान ने बनाए थे, तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान के इस्तेमाल में लाने के लिए बनाए गए थे। तो फिर ये भी जाहिर सी बात है कि जानवरों को उनको इस्तेमाल में लाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा था। मगर हमारे वीरों ने हार नहीं मानी, वो डटे रहे और यहां पर उनके काम आए सुअर का दिमाग और घोड़ों का बल। घोड़ों ने दिन रात गाड़ी के आगे जुटकर खेत जोतने शुरू करे, हल जोतना शुरू करा, और सुअरों ने कई आविष्कार करे। वो ये कि दो तरह से वो उनकी मदद कर सकते हैं, एक तो उनको निर्देश देकर और दूसरा उनकी हौसला अफजाई करके कि हा 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 शाबाश 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 लगे थोड़ा सुअरों और सभी जानवरों ने मिलकर खेत जोते और खूब मेहनत मशक्कत करी। बाकी सभी छोटे बड़े बाशिंदे जो एनिमल फार्म के थे वो भी अपने योगदान देने से पीछे नहीं हटते थे, अब तक बत्तख वगैरह सब कुछ ना कुछ क्षमता अनुसार कर ही देते थे। नतीजा ये कि अब से एनिमल फार्म का हर प्राणी जीतोड़ मेहनत करता था और भरपेट खाना खाके ही सोता था, भूखा नहीं सोता था। जितना काम करेगा उतना उसको मिलेगा, उतना वो खाएगा, और ना ही वो कटखन्नों की तरह आपस में लड़ेगा, एक एक दाने को मोहताज नहीं होगा और एक एक दाने की चोरी चकारी नहीं करेगा। सचमुच वे स्वच्छंद थे और सचमुच स्वराज स्थापित हो गया था, जंगल राज। अब ये तो आपको मालूम है कि सभी जानवर क्षमता अनुसार काम करते थे और जोशो खरोश से काम करते थे, सिवाय दो अपवादों के। एक तो वो आलसी बिल्ली जो चुपचाप काम का नाम लेते ही जब लोग लेते थे सुट करके सरक जाती थी और फिर सीधा शाम को ही दिखती थी जब खाना खाने की बारी आती थी। और दूसरा उस खेत का सबसे बूढ़ा बाशिंदा बेंजामिन गधा, जो कि चुपचाप सर झुकाए काम करता रहता था एक तार, कोई कह नहीं सकता था कि वो दुखी है कि खुश है। खैर, अब एक दिन हुआ ये कि स्क्वीलर जो है वो पहुंच गया मिसेस जोन्स के कमरे में, और मिसेस जोन्स के कमरे में जो एक बड़ा सा सफेद बक्सा रखा हुआ था उसको देखकर स्क्वीलर को बहुत पहले भी कौतूहल होता था। अब उसको आजाद था, उसने फौरन बक्सा खोला। बक्सा खोलते ही सबसे ऊपर पड़ा था एक गाढ़े हरे रंग का बढ़िया सा मखमली मेज पोश, यानी कि टेबल क्लॉथ। वो मेज पोश को लेकर स्क्वीलर आया बाहर सबके सामने मैदान में। उसको बिछा कर वो फौरन एक सफेद डब्बा पेंट और कुछ पेंट ब्रश ले आया और उस पर बना दिए उसने दो सींग और दो खुर, जो कि प्रतीक थे जंगल राज के, और ये जो हरा रंग था उनके झंडे का वो प्रतीक था इंग्लैंड और आयरलैंड के खेतों का जहां पर जानवर राज करते हैं। उसके बाद सभी ने मिलकर सभागार के सामने खड़े होकर इंग्लैंड आयरलैंड के सभी जानवर गीत गाया और फिर एक एक करके कतार बना के पहुंच गए, सीधे प्रवेश करा उन्होंने सभागार के अंदर। सभागार में एक सभा बुलाई गई। सभा का जो एजेंडा था उनका, सभा का जो कार्यक्रम था, वो मेन ये था, मुख्य रूप से उनको ये तय करना था कि कैसे वो अपनी जिंदगी को, अपने स्वराज को आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ाने के लिए और स्वराज कायम रखने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ और कायदे कानून बनाएं और क्यों ना हम कुछ समितियों का गठन करें। और क्योंकि खेत पे सबसे अकलमंद प्राणी कौन? सुअर। इसीलिए क्यों ना सुअर मिलकर ये निश्चित करें सब लोगों के साथ कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन कौन चुनाव में खड़ा होगा और समितियों का लीडर बनेगा। तीन समितियों का गठन हुआ, अंडा उत्पाद दल, पूछ सफाई समिति और आ आ ई ई उ शिक्षा समिति। और
तीनों के लिए जो चुनाव में लोग खड़े हुए वो कौन थे, वो प्राणी कौन थे? सुअर, क्योंकि एनिमल फार्म पर सबसे अकलमंद प्राणी कौन? सुअर। तो नतीजन चुनाव में जीता कौन? सुअर। तो इन सब समितियों के लीडर कौन बने? सुअर। अब सभी समितियों ने अपना अपना कार्यभार संभाला, खास करके शिक्षा समिति ने, जो IEEE शिक्षा समिति थी, और समिति का लीडर था नेपोलियन। नेपोलियन ने सभी अंडे बच्चों का जो शिक्षा का आभार था वो अपने ऊपर ले लिया और कार्यभार सौंप दिया अपने आप को ही कि भाई जो बच्चे पैदा होंगे, जो बच्चे पैदा होने वाले हैं और जो हो चुके हैं, मैं उन सब को शिक्षित करूंगा। और बाकी शिक्षा समितियों ने और जो बाकी तीन समितियां थी, पूछ सफाई दल और जो अंडा उत्पाद समिति थी, उन्होंने IEEE समिति के साथ मिलकर कुल मिलाकर जो 7 नियम थे उन सभी का निचोड़ एक नियम में करके बड़ा बड़ा छाप दिया। दो टांगे हाय हाय, चार टांगे अपना भाई, दो टांगे हाय हाय, चार टांगे अपना भाई। तो भाई देखिए, खेत पर अच्छा अनाज की उपज हो रही थी, सभी लोगों ने चुनाव कर दिए थे, अपना मतदान कर दिया था, तीनों समितियां गठित हो चुकी थी, सब लोग चैन की नींद सोते थे, इतवार मनाते थे, खेलने कूदने जाते थे, स्वच्छंद हो घूमते थे, जितना चाहे उतना काम करते थे और भरपेट खाना खा चैन की नींद सोते थे, वे आजाद थे, यानी के कुल मिला के जिंदगी गुलजार थी। तभी एक दिन न जाने कहां से बात छिड़ी उन दूध की बाल्टियों की, जो कि यकायक गायब हो गई थी उसके अगले दिन, जब मिस्टर जोन्स को सभी जानवरों ने एनिमल फार्म से खदेड़ दिया था। और बात निकली तो दूर तलक गई, और जो शक की सुई है वो इधर उधर टहलती हुई पहुंची नेपोलियन पे। अब जब शक की सुई ने नेपोलियन की ओर रुख करा तो उसने एक खास सभा बुलाई। जो बड़ा था, जो उन्होंने झंडा जिसका आरोहण करा था वो हरा सींग और खुर वाला, उसके सामने सभी लोगों ने पहले तो एकत्रित होकर गाया इंग्लैंड आयरलैंड के सभी जानवर गाना, और उसके बाद नेपोलियन ने सभा को संबोधित करा और बोला, मेरे दोस्तों, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये सुअर हमसे चालाकी कर रहे हैं? ना ना ना, ये कभी मत सोचिएगा। ऐसा है, आप ये तो मानेंगे कि इस खेत पर सबसे अकलमंद प्राणी कौन? हम सुअर। और इस खेत पर सबसे ज्यादा दिमागी काम कौन करते हैं? कौन? सब जो रचना होती है खास नियमों की, नीतियों की, कौन करता है वो? मेरे नेतृत्व में बाकी सुअर मानेंगे कि नहीं? तो भाई, दिमागी काम और साथ ही साथ परिश्रम करने के लिए, आप लोगों का हाथ बटाने के लिए खेत पर दूध की आवश्यकता किसे है? सूखे सेब जो शायद सड़गल गए हो, उनकी आवश्यकता किसको है? अरे हम सुअरों को, है कि नहीं? अब देखिए, आप चाहें तो वो सब खा सकते हैं, मगर उसका नतीजा क्या होगा ये फिर मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। भाई अब आप सोचेंगे, कैसा नतीजा, कैसी जिम्मेदारी? तो वो ये कि हमारे एनिमल फार्म पर सदैव 24 घंटे सातों दिन खतरा मंडराता रहता है मिस्टर जोन्स के आतंक का, फ्रेडरिक और पिल्किंगटन के आतंक का, मनुष्य जाति के आतंक का, क्योंकि हम अब आजाद हैं। लेकिन उस आतंक के खतरे को टालने के लिए जुगत लगानी होगी, कई योजनाएं बनानी होंगी, और उसको बनाने के लिए चाहिए क्या, जो कि सिर्फ सुअरों में है? तो भाई ये फिर आप बात मानेंगे कि सारे का सारा दूध जो बचता है बेच बाज करो, जब बच्चे कच्चे हमारे सब पी लेते हैं दूध को, तो वो सुअरों के हिस्से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बाकी तो हम रूखी सूखी खाकर गुजर बसर कर ही लेते हैं। और फिर ये कि जो टूटे सड़े फूटे छोटे छोटे गलगल कीड़े लगे हुए सेब हैं, जिसको शायद कीड़ा भी ना खाए, और वो अगर हमारे खाने में मिल जाए तो आपको आपत्ति क्या है इससे? भाई है कोई आपत्ति? जानवरों ने सोचा, हाँ ये बात तो सही है, मगर उसमें एक आध जानवर बॉक्सर वगैरह जैसे ऐसे भी थे जिनको लगा है, अरे भैया थोड़ी बहुत अक्कल हम में भी है, एक तुम ही थोड़ी हो यहां पे अकलमंद। मगर किसी को कुछ बोलने की हिम्मत ना हुई, कोई हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। नतीजा ये कि सब जानवरों ने हामी भरी और बोला,
नहीं नहीं हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जोन्स का खतरा हम पर मंडराए। कृपा करें, अरे हम पर कृपा करें और हम आपसे विनती करते हैं कि जितना भी दूध बचता है और जितने भी सेब बचते हैं, खराब ही नहीं अच्छे भी, वो सब आपके ही हिस्से आए, क्योंकि हमको चाहिए आपका दिमागी बल, जिसके सिवा जिसके बिना आप कोई नीति रच ही नहीं पाएंगे और हमारी रक्षा कैसे कर पाएंगे। तो हे आप ये सब खाइए, इसको भोगिए, लेकिन हमें सुरक्षित रखिए, क्योंकि एनिमल फार्म पर अकलमंद सबसे प्राणी कौन? सुअर। इंग्लैंड आयरलैंड के सभी जानवर दुनिया भर के सब, देखा मैंने सुंदर सपना।